हेलो एवरीवन, क्या हाल है? सबके सब ठीक ठाक है, खैरियत से? एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि स्किन से रिलेटेड है, और स्किन वाइटनिंग आप रेमेडी कह सकते हैं, प्लस आप इसको स्किन ग्लोइंग रेमेडी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, आप देख सकते हैं वो स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई, प्लस स्किन टैन भी हो गई है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने सोचा है कि मैं तो इंग्रीडियंट्स चेक कर लीजिए। मैंने कुछ जो है वो इसको ऑलरेडी बनाया हुआ है, और इसके अंदर जाएगा बेसन, एक चम्मच बेसन ले लें इसके अंदर, 1 टीस्पून ले बेसन के साथ, क्योंकि बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए, बहुत स्मूथ कर देता है स्किन को, और इसके अलावा भी बहुत सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं बेसन की, तो वो आप ले सकते हैं। बेसन ले लें इसके अंदर, रोज़ वाटर जाएगा, प्लस ये कि रोज़ वाटर आप उतना ले सकते जितना आप पेस्ट बनाए, तो मैं इसके अंदर ऐड करके आई हूँ बेसन। मैंने बेसन के साथ मैंने रोज़ वाटर और 1 टीस्पून लें, 1 टेबल स्पून लें टोमेटो जूस लिया है मैंने, ताकि ये सब जो है वो एक बहुत अच्छा सा यूनिफॉर्म पेस्ट की सूरत में आ जाए, ताकि आप इसको एज अ क्रीम की सूरत में आप लगा सकें। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास ये वाली फेयर एंड लवली है, फेयर एंड लवली ले लीजिए, मेरे पास ये वाली है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो सी भी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फेयर एंड लवली इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड, तो वो जो है वो हर जगह इजीली अवेलेबल हो जाएगी, और बहुत सारी ये टाइप्स में आती है, तो जो मेरे पास है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो सी भी फेयरनेस क्रीम हो फेयर एंड लवली की, तो आप वो यूज़ कर लीजिए। इसके अंदर मैं डालती हूँ ताकि एक अच्छा सा फेस बन जाए, मैं पहले इसे ऐड कर लूँ। आप इसे इतना डालेंगे कि ये तकरीबन लुक, मैंने इसके अंदर इतना फेयर लगती है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये अभी तक के मैंने कितनी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं पेस्ट के अंदर, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। एक चम्मच मैंने लिया है बेसन का, उसके साथ मैंने टोमेटो जूस डाला है, ताकि ये अच्छा सा प्यारा सा पेस्ट बन जाए। टोमेटो जूस भी है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लस मैंने इसके अंदर रोज वाटर ऐड किया है, और ये फेयर एंड लवली, ये सब चीज़ें डालने के बाद आप इसे अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे, अगर आपको इसमें रोज़ वाटर को ऐड करने की और ज़रूरत पेश आए, क्योंकि अगर ये पीला मतलब क्योंकि ज़्यादा सूखा सूखा सा पील हो रहा हो, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं रोज़ वाटर, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप इसको आराम से ऐड करके इसको अच्छे से एक फॉर्म में ले आइए, ताकि ये प्यारा सा पेस्ट फॉर्म में आ जाए। इसको करने के बाद आपने करना ये है कि इसको अपने हाथों से अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है, और रख देना है तकरीबन आप उसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, आप लगे रहने देंगे, और इसके बाद जो है हम वॉश करेंगे। तो चलिए, हमारा फेस रेडी हो गया है, और अब हम इसे अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने आइस ले लिया है, आइस क्यूब लेने के बाद अपने स्किन पे इसको इस तरीके से जो है वो रब करेंगे, आप आइस क्यूब को इस तरीके से रब करें चेहरे के ऊपर। जो है वो रिमूव की मदद से जो है उसको रिमूव
देखी हूँ नींबू से जो है वो ये आप देख सकते हैं नींबू का हमारे इस तरह से कि अप्लाई हो चुका है फेस पे। तो आपने इस तरीके से मास्क आपने रिमूव करना है और उसके बाद फेस वॉश कर लेना है। तो जनाब आप देख सकते हैं कि मैंने फेस वॉश कर लिया है और स्किन काफ़ी ग्लो सी लग रही है। फेस वॉश हो गया है तो अब हम जो है वो इसके ऊपर इसको मॉइस्चराइज करेंगे, थोड़ा सा लोशन लगाएंगे। तो मैं ये लोशन लगा रही हूँ, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन। तो लोशन लगाना फेस को थोड़ा। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मेरा नो मेकअप लुक है और अभी जो है मैंने मॉइस्चराइज करके और अभी रेडी हुई हूँ। आप ये कहीं पे भी किसी भी पार्टी में जाने से पहले इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हाफ़ एन आवर पहले आप इसे अप्लाई कीजिए, इंस्टेंट ग्लोइंग लुक, इंस्टेंट वाइटनिंग लुक आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।